हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज देखिए मैं आपके लिए इस ब्यूटीफुल कारीगर डिज़ाइन की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। और ये डिज़ाइन देखिए हमारा बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, बहुत लाजवाब बनकर आया है। इसे आप लेडीज़ के कार्डिगन में, जैकेट में, बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में, कुर्ती वगैरह में, फ्रॉक में, या जेंट्स के स्वेटर में, फुल कार्डिगन में, कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर, बहुत प्यारा ये बनकर आता है। और ये सीधी तरफ से इस तरह से और उल्टी तरफ से ऐसे बनेगा। ये दोनों तरफ से डिज़ाइन बहुत सुंदर बनता है, तो आप इसे स्टॉल वगैरह में, शाल में भी डाल सकते हैं। बहुत सुंदर लगेगा अगर आप इसे शॉल वगैरह में डालते हैं ना, बहुत प्यारा डिज़ाइन बनकर आएगा। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए जो हमने फंदे लेने हैं वो 10 के मल्टीपल से फंदे लेने हैं। जैसे 10 फंदे 10 फंदे 10 फंदे 10 फंदे ऐसे करते हुए जाना है। 10 फंदे डालेंगे, लास्ट में आपके 3 फंदे होने चाहिए, एक फंदा तो पैटर्न को इक्वल करने के लिए और 2 फंदे स्टिच के, तो आपका डिज़ाइन अच्छे से सेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं इसे बनाना। यहाँ पर सिलाई में मैंने 23 फंदे डाले हैं। 23 फंदे डालने के बाद इस डिज़ाइन की फर्स्ट रो सीधी तरफ से देखिए कैसे डलेगी। इस फर्स्ट फंदे को उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे, फिर धागा दूसरी तरफ, ये एक, ये दो, दो फंदे सीधे। दो फंदे सीधे बनाने के बाद इन दो फंदों में आगे से सिलाई डालेंगे, इस तरह से आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, ये एक फंदा हम सीधा बनाएंगे और यहाँ पर हमने जाली डाल दी। धागा फिर से अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर दोबारा से जाली डालेंगे, इन दो फंदों को इस तरह से ऐसे उतार लेंगे, वापस लेंगे लेफ्ट नीडल में और पीछे से ऐसे सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे और जाली डाल देंगे। अब 2 फंदे सीधे, 1 2, तो ये 10 फंदों का हमारा डिज़ाइन है। यहीं पर डिज़ाइन ये इतना बनकर कंप्लीट है। इन्हीं फंदों को आपने आगे आगे रिपीट करते जाना है सिलाई में। तो देखिए एक फंदा स्टिच का पहले हमने उतार दिया, फिर एक फंदा उल्टा बनाया, उल्टा फंदा बनाने के बाद 2 फंदे सीधे, फिर यहाँ पर आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1, फिर यहाँ पर जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, जाली डालेंगे, 2 फंदों को उतार कर पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 किया, फिर 2 फंदे सीधे। यही 10 फंदों को आगे रिपीट करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। 2 फंदे सीधे बनाने के बाद आगे से सिलाई डाल लेंगे, ये 2 फंदे ऐसे लूज भी कर सकते हैं आप, आगे से सिलाई डालिए 2 फंदों में 2 का 1, फिर धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे, 1 उतारा, दूसरा उतारा, वापस लिया लेफ्ट नीडल में, पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1। देखिए ये दोनों तरफ जाली डाली और दोनों तरफ हमने 2 का 1 कर दिया। जो एक एक फंदा कम किया वो 7 के 7 हमारे यहाँ पर बढ़ गया है। अब 2 का 1 करने के बाद 2 फंदे हमारे सीधे ऐसे, ये 2 डिज़ाइन हमने बना लिए। अब धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा और ये एक फंदा सीधा। यहीं पर हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट होती है। अब सेकंड रो उल्टी तरफ से देखिएगा कैसे बनेगी। इस फर्स्ट फंदे को उतारेंगे, धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, एक फंदा सीधा बना देंगे। अब धागा अपनी तरफ, 9 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। फिर से धागा दूसरी तरफ, देखिए ये एक फंदा सीधा है, इसे सीधा बनाएंगे, 9 फंदे उल्टे। आपकी सिलाई पर जितने भी फंदे हैं आपने ऐसे ही इन फंदों को बनाते जाना है और सेकेंड रो बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। नौ फंदे उल्टे, लास्ट में ये 2 फंदे आपके पास बचेंगे जिसमें से एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। तो ये हमारी देखिए सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है। अब थर्ड रो देखिए सीधी तरफ से कैसे बनाएंगे। इस फर्स्ट फंदे को उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे,
फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे, ये एक फंदा सीधा। अब इन दो फंदों में आगे से सिलाई डालते हुए दो का एक कर देंगे, फिर धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे और ये एक दो तीन फंदे सीधे। ये तीन फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से जाली डालेंगे एक दो, इन दो फंदों को स्किप करेंगे, वापस लेंगे सिलाई में, जाली डाली है हमने साथ में और दो का एक कर देंगे पीछे से सिलाई डालते हुए, ये एक फंदा सीधा। अब इसी डिज़ाइन को आगे रिपीट करेंगे तो धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा। अब आगे से सिलाई डालेंगे इन दो फंदों में, दो का एक कर देंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे और ये तीन फंदे सीधे बना लेंगे बीच वाले, एक दो तीन। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, दो फंदों को उतार दिया, दोनों को लिया वापस लेफ्ट नीडल में, पीछे से सिलाई डालते हुए दो का एक और जाली डाल दी, ये एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा और ये लास्ट का फंदा हम सीधा बना देंगे। ऐसे ही आपने थर्ड रो बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। अब फोर्थ रो भी बिल्कुल सेकंड रो की तरह ही सेम फंदों पर फंदे आपने बनाने हैं, एक फंदा सीधा फिर नौ फंदे उल्टे। जैसे हमने देखे ये सेकंड रो बनाई थी ना, वैसे ही इसे भी बना लेंगे। अब फिफ्थ रो सीधी तरफ से फर्स्ट फंदे को पहले उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा ये उल्टा बना लेंगे। अब धागा दूसरी तरफ करेंगे, एक फंदा ये सीधा एक सीधा, दोनों में आगे से सिलाई डालते हुए दो का एक कर देंगे इस तरह से। फिर धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे और ये बीच वाले पांच फंदे हम सीधे बना लेंगे, ये एक दो तीन चार और ये पांच। आपने जाली डालना नहीं भूलना है, ठीक है, दोनों तरफ जाली जरूर डालनी है। फिर धागा अपनी तरफ इस फंदे को ऐसे दोनों को उतार लेंगे, लेफ्ट नीडल में लेंगे, वापस पीछे से सिलाई डालते हुए दो का एक कर देंगे और यहाँ पर हमने जाली डाल दी। अब इसी डिज़ाइन को फिर से रिपीट करेंगे, धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, फिर धागा दूसरी तरफ इन दोनों में आगे से सिलाई डालते हुए दो का एक, फिर धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, पांच फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, इन दो फंदों को उतारेंगे, वापस लेंगे यहाँ पर लेफ्ट नीडल में, पीछे से सिलाई डालते हुए दो का एक और यहाँ पर हमने जाली डाल दी, एक फंदा उल्टा बना लेंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे। ऐसे ही करते हुए आपने फिफ्थ रो बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। सिक्स्थ रो भी हमारी सेम वैसे ही डलेगी, जो फंदे हमें जैसे दिखाई दे रहे हैं फंदों पर फंदे, सेम वैसे ही हम बनाते जाएंगे। देखिए ये एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करते हुए ये एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, फिर ये एक फंदा सीधा, फिर नौ फंदे उल्टे। ये रो ऐसे ही बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये छः सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब रो सेवन सीधी तरफ से देखिएगा, इस फर्स्ट फंदे को उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे, फिर धागा दूसरी तरफ, ये एक फंदा हमारा सीधा। अब धागा यहाँ अपनी तरफ करेंगे क्योंकि जाली डालेंगे और इस एक फंदे को सीधा बना लेंगे, ठीक है। फिर ये एक ये दो, इन दोनों फंदों में आगे से सिलाई डालते हुए हमने दो का एक कर दिया, फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे एक दो, इन दोनों फंदों को उतारा, पीछे से सिलाई डालते हुए दो का एक कर दिया, फिर ये एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डाली, ये एक फंदा सीधा। देखिए रो सेवन में हमने क्या किया, थोड़ा सा पैटर्न यहाँ पर हमारा चेंज हो गया। ये एक फर्स्ट फंदा तो हमने उतारना ही है और ये गैप का फंदा उल्टा बनाया, फिर उसके बाद एक फंदा सीधा, जाली डाली, एक फंदा सीधा बनाया, दोनों फंदों को आगे से सिलाई डालते हुए दो का एक किया, एक फंदा उल्टा, फिर से दो फंदे उतारे, पीछे से सिलाई डालते हुए दो का एक, एक फंदा सीधा, जाली डाली, एक फंदा सीधा। इन्हीं फंदों को दोबारा से रिपीट करेंगे तो कैसे करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे,
धागा दूसरी तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जारी डालेंगे, एक फंदा सीधा, फिर आगे से सिलाई डालेंगे, दो फंदों में दो का एक कर देंगे, फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा दूसरी तरफ दो फंदों को उतारेंगे, पीछे से सिलाई डालते हुए दो का एक कर देंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ यहाँ पर जारी डालेंगे, एक फंदा सीधा, एक उल्टा और लास्ट का फंदा सीधा। इस तरह से बनाकर आपने रो 7 सारी कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। अब रो 8 हमारी देखिए किस तरह से बनेगी। इस फर्स्ट फंदे को पहले उतार लेंगे, धागा दूसरी तरफ, ये एक फंदा सीधा, अब धागा अपनी तरफ करेंगे, ये एक, दो, तीन, चार फंदे उल्टे, फिर धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा, चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, फिर धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा, चार फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, चार फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, ऐसे ही करते हुए हम पूरी रो 8 कंप्लीट कर लेंगे। रो 9 सीधी तरफ से फर्स्ट फंदे को उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, फिर धागा दूसरी तरफ, ये एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जारी डालेंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे। ये बिल्कुल रो 7 की तरह ही हमारी रो रिपीट हो रही है, ठीक है। तो ये जारी डालने के बाद एक फंदा सीधा बनाया, अब आगे से सिलाई डालेंगे, इन दो फंदों में दो का एक कर देंगे, धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ, ये एक फंदा उतारा, ये दूसरा उतारा, दोनों को पीछे से सिलाई डालते हुए दो का एक कर दिया, फिर एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाई डाली, एक फंदा सीधा। बिल्कुल रो 7 की तरह ही हमने रो ये 9 बनाई है। और इसी तरह से देखिए आगे डिज़ाइन को रिपीट करते जाएंगे, एक फंदा उल्टा, फिर धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ यहाँ पर जारी डालेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, आगे से सिलाई डाल लेंगे, इन दो फंदों में दो का एक कर देंगे, धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ, इसे उतारा, इसे उतारा, दोनों को पीछे से सिलाई डालते हुए दो का एक, फिर एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ यहाँ पर जारी डालेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा। अब रो 10 देखिए, रो 10 बिल्कुल रो 8 की तरह ही आएगी, सेम टू सेम, ठीक है। इस फर्स्ट फंदे को उतारिए, एक फंदा सीधा, चार उल्टे, एक सीधा, चार उल्टे, एक सीधा, चार उल्टे, एक सीधा, चार उल्टे, ऐसे करते हुए पूरी रो बनाकर आप कंप्लीट कर लें। रो 11 सीधी तरफ से इस फर्स्ट फंदे को पहले उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे, फिर धागा दूसरी तरफ, ये एक फंदा सीधा, अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जारी डालेंगे, ये एक फंदा सीधा बना लेंगे, अब इन दो फंदों में आगे से सिलाई डालते हुए दो का एक करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ करते हुए इस फंदे को उतारेंगे, इस फंदे को उतारेंगे, दोनों में सिलाई डालेंगे पीछे से दो का एक, फिर एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जारी डालेंगे, इस फंदे को सीधा बना लेंगे, इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे, सेम पैटर्न पर पैटर्न डालेंगे, धागा एक फंदा उल्टा बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा, फिर यहाँ पर जारी डालेंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे, इन दो फंदों को उतारेंगे, एक, दो, सॉरी उतारना नहीं है, ऐसे ही आगे से सिलाई डालते हुए दो का एक कर देंगे, फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ, अब उतारेंगे फंदों को, एक, दो, अब पीछे से सिलाई डालते हुए दो का एक कर देंगे, फिर ये एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जारी डालेंगे, ये फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, और ये एक फंदा सीधा, इस तरह से। रो 7, 8, 9, 10, 11, 12 रो पीछे से 12वीं सिलाई हमारी वो सेम एक जैसे ही डलेंगे। इस फर्स्ट फंदे को उतारेंगे, धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, ये एक फंदा सीधा,
फिर चार फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, चार फंदे उल्टे, ऐसे करते हुए ये रो बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब ये 12 सिलाइयाँ बनकर हमारी कंप्लीट है और इन्हीं 12 सिलाइयों को हमने आगे आगे रिपीट करते जाना है, तो ऐसा ये ब्यूटीफुल जाली वाला डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत डिज़ाइन बढ़िया बनता है ये, देखिए देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखने में ऐसे लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन बनाने में ये बहुत ज़्यादा आसान है। तो अगर किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसे ट्राई करेंगे तो मेरे साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।